कमर साहब, आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती हैं, खासतौर पर हम एशिया कप की बात करते हैं कि जी एशिया कप में जो परफॉर्मेंस थी और उस परफॉर्मेंस पे हमारी टीम फाइनल तक पहुंच गई कि हमारा कुछ ही खिलाड़ियों पर इंहिसार था और वही खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे, बाकी खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब इंग्लैंड के साथ सीरीज है, फिर आगे वर्ल्ड कप है, तो आप कैसे देख रहे हैं? अब अगर हम होम ग्राउंड की बात कर भी लें कि जी सही है जी पिचेस का भी आइडिया होता है, सब चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके सामने है, कैसे देख रहे हैं आज के मैच को? इम्पोर्टेंट और अहम सीरीज यूं है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एशिया कप में बिल्कुल खराब थी। बैट्समैन इनके फॉर्म में नहीं थे, इनका कप्तान फॉर्म में नहीं था, इनके बॉलिंग में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं थी, इसलिए शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। अगर इस सीरीज को देखें तो पाकिस्तान की सरजमीन में पहली दफा कोई टीम 7 T20 के मैचेस खेलेगी लगातार एक सीरीज से, और पाकिस्तान को एडवांटेज तो ये है कि होम सीरीज है, लेकिन मैं भी इंग्लैंड में था जब इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रही थी जी। तो इनकी परफॉर्मेंस भी नहायत ही नाकिस है, और टेस्ट मैच में भी और T20 सीरीज में ये वक्त इंग्लैंड लकी थी कि टेस्ट जीत गई और सीरीज भी जीत गई, और लेकिन ये जो टीम पाकिस्तान में आई है इंग्लैंड की, ये अपनी खिफत मिटाने के लिए आई है। इसलिए आपको याद है ना कि जब, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। जब न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली टीम यहाँ से अचानक एक साजिश के तहत भाग गई, बिल्कुल बिल्कुल, तो इंग्लैंड ने भी अपना अपना दौरा मंसूख कर लिया यहाँ का, तो बाद में जब रियलाइज हुआ कि न्यूजीलैंड यहाँ से चली गई और इंग्लैंड विड्रॉ कर गई, तो उस खिफत को मिटाने के लिए अब ये 17 साल के बाद 2005 के बाद ये टीम आई हुई है, और ये टीम वो टीम नहीं है जो T20 इंग्लैंड की टीम होती है। तो आप कह रहे हैं कि बी टीम है? आप ये कह रहे हैं बी टीम है? ये बी टीम है, और ये पाकिस्तान की जो टीम है इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए ये दोनों टीमें बैलेंस लगती है मुझे। ये T20 अगर इस टीम से भी पाकिस्तान ने जीत सकी इस अंडर स्ट्रेंथ टीम से इंग्लैंड के, तो मैं समझता हूँ T20 वर्ल्ड कप के लिए नफसियाती तौर पे इनको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि होम ग्राउंड पर खेलते हुए एक अंडर स्ट्रेंथ टीम जो इंग्लैंड की यहाँ पर आई हुई है उसके खिलाफ ये अच्छा परफॉर्मेंस करे 7 मैचों में। तो हमारे साथ बी टीम के साथ खेल के अब अच्छा परफॉर्म करते भी हैं, तो क्या वर्ल्ड कप के तैयार हो रहे हैं आपको लगता है आगे? अब देखिए, मैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि ये प्रैक्टिस मैच समझ लीजिए पाकिस्तान टीम के लिए, और इंग्लैंड की टीम क्योंकि असली जो इनके जॉनी ब्रेस्टो और लैम लिविंगस्टन और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस दौरे पर नहीं आए हैं जी, तो जॉर्डन वगैरह, तो वो जब टीम वर्ल्ड कप में खेलेगी तो फुल स्ट्रेंथ टीम होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान इस वीक टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस करे। T20 जो मैचेस कराची में है, 3 लाहौर के अंदर है, तो ये फॉर्म को कायम रखना ये आसान काम नहीं होता है। अभी आपने टीम सिलेक्शन देखी, आपने उसको किस तरह से पाया, खासतौर पर जब आप टीम सिलेक्ट कप खेल के आए हैं, परफॉर्मेंस आपके सामने है, आगे सीरीज है इंग्लैंड के साथ, फिर उसके आगे वर्ल्ड कप है, तो इन सारी चीजों को रख के आपको लगता है कि टीम सिलेक्शन परफेक्ट है जो अभी हुई है हमारी टीम की? टीम पाकिस्तान में कभी जिंदगी में सिलेक्ट नहीं होती, हमेशा याद रखें, मेरा जो तजुर्बा है ये टीम कप्तान की रहम और करम पे होती है। अच्छा, और कप्तान अगर मजबूत है, इमरान खान जब एक मजबूत कप्तान थे तो वो ना सिलेक्टर को मानते थे, ना क्रिकेट बोर्ड को मानते थे, ना किसी शख्स को मानते थे, वो उन लड़कों को खिलाते थे जो उनको खुद चाहते थे। वो अब ये सूरत हाल ये हो गई है कि बाबर आजम चूंकि इज ए गुड बैट्समैन और वो उसकी साख बैठ गई है टीम में, तो वो अपनी मनमानी करता है। आप देखेंगे जो लड़के स्कोर भी नहीं कर रहे हैं, एशिया कप में नहीं कर रहे थे, उससे पहले भी नहीं कर रहे थे, उनको बार बार ये टीम में खिलाते रहते हैं जी। तो ये चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी का कोई रोल नहीं है, एक सिर्फ टीम पर साइन करने वाला रोल है, और टीम हमेशा पाकिस्तान का कप्तान ही सिलेक्ट करता है। हाँ, और वाकई ये अभी कप्तान के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी देखते हैं, कप्तान ही खुद खासी तनकीद में है। हम सब हमारे साथ हैं, साबिक चेयरमैन PCB, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका तजिया क्या कहता है, अब आप ये देखिए कि अभी हमने एशिया कप खेला, फाइनल तक टीम पहुंची, श्रीलंका से हार गई, परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की आपके सामने है, टीम सिलेक्शन होती है सर उस पर ही बहुत तनकीद हो रही है, फिर कप्तान पर बाबर आजम पर बहुत तनकीद हो रही है, फिर अब हम इंग्लैंड के साथ सीरीज खेल रहे हैं, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये तो टीम कैसी है, ये आपको बैलेंस टीम लगती है, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मैं तबसरे से पहले मुझसे जो साहब पहले कमर साहब कर रहे थे, जी 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 कौन थे वो? कमर अहमद साहब। कमर अहमद साहब, उसमें मैं थोड़ी सी किसी तस्दीक कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा था, एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड काउंसिल, जो 92 वर्ल्ड कप जब जीता गया था, जनरल जायद अली अकबर उसके चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ये बिल्कुल गलत तहसुस दिया जा रहा है कि जब इमरान खान कप्तान था वो ना क्रिकेट बोर्ड को मानता था ना कुछ मानता था, छोटी से छोटी बात क्रिकेट की और हम हाँ करते थे या ना करते थे, ये अलग बात है कि हम बताओ क्रिकेट बोर्ड महसूस करते थे कि कप्तान को जितनी भी हम सपोर्ट दे सकते हैं वो हम सपोर्ट दें, तो ये तासुर जो है पता नहीं क्यों इस किस्म की बातें की जाती है और तासुर फैलाया जाता है। क्रिकेट बोर्ड एक अदारा है और अदारे हमेशा अफराद से बालातर होते हैं, बुलंद होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपके एक चैनल इतना ज्यादा देखा जाता है उससे इस किस्म की जो राय है वो नहीं आनी। कमर साहब आपकी बात सुन भी रहे हैं वैसे, खालिद साहब जी हाँ बिल्कुल सुन रही है, तो मैं कमर साहब को चैलेंज करता हूँ कि मैं बोर्ड का हिस्सा था यहाँ थी और बड़े एक जरी किस्म के चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के जायद अली अकबर, वो बल्कि उनकी सोच होती थी कैसे ना किया जाए। अच्छा। मैं और मेरे कोई साथी हमेशा कहते थे कि कप्तान को सपोर्ट किया जाए, अगर वो एक चीज तब्दीली मांग रहा है हाँ। तो वो तब्दीली उसको दी जानी चाहिए, ये इतना मैं कह रहा हूँ। कि आप इस T20 की और इंग्लैंड के दौरे की बात कर रही हैं, होता ये है कि जब एक सीरीज होती है तो उसके फिर कुछ ना कुछ सामने आते हैं, मुसबिरात आते हैं, उसमें उसके असरात सामने आते हैं, तो अगली जो सीरीज में चाहिए होता है कि वो उसकी खामियां देखी जाए, गलतियां देखी जाए, उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश की जाए। हमारी जो टॉप ऑर्डर है वो बड़े आला खिलाड़ी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, बाबर आजम है, रिजवान है, अगर अच्छा खेलें कभी कभी तो फखर जमान भी बड़ा अच्छा खेल सकते हैं, हमने देखा कि एशिया कप में ये वो जो टॉप ऑर्डर है उस रफ्तार पे स्कोर नहीं करता जिस रफ्तार पे स्कोर होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं करता, उसकी वजह से जो मिडिल ऑर्डर हमारा है वो पहले ही कुछ कमजोर है, उस पर मजीद दबाव आता है और अक्सर व बेशतर बिल्कुल ही जवाब दे जाता, तो ये खामी सामने नजर आई थी, उसका हल तलाश किया जाना चाहिए था। उसका हल सिर्फ ये तलाश किया गया है कि टॉप ऑर्डर में एक तब्दीली कर दी गई है, शान मसूद को ले आए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि शान मसूद अगर ठीक थे तो वो एशिया कप में क्यों नहीं खेले, बहुत अच्छी रही है, मुल्क से बाहर भी अच्छी है, डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें भी अच्छी है, तो अब वो आए हैं वो देखते हैं क्या करते, लेकिन जो वो बुनियादी खराबी है कि हमारा टॉप ऑर्डर उस रफ्तार से स्कोर नहीं करता। अब मुझे याद पड़ता है कोई एक जमाना था सुनील गावस्कर इंडिया के बहुत अजीम बैट्समैन रहे हैं, लेकिन इतलाई जो वक्त था जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, जो 50 ओवरों का खेल शुरू हुआ था, मुझे याद पड़ता है एक मैच में वो तकरीबन सारे ओवर खेल के और 40-30 से ज्यादा स्कोर नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने अपनी जो बैटिंग का स्टाइल था उसको एडजस्ट नहीं किया हुआ था। मैं यही खराबी देखता हूँ हमारे दो बहुत शानदार खिलाड़ियों में, उसमें विकेट कीपर रिजवान में भी और बाबर में भी, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज। इमरान रियाज खान साहब जो है वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।